और एक आदमी आ गए हैं अभी चिपकली भगाने के लिए। क्या बोल रहे पाली लाई धरू शकता बोले मी तो हिला सकता तन्नो इस देखिए दोनों भी जाओ ना तुम जाओ ना इतना बैठो भाई मैं थक गए आज दिन भर मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं मैं वैसा भी सो सकता नहीं गया टेबल तोड़ता एसी गिरा देंगे पूरा। एक्चुअली मैं सो गया था ये मैडम ने मेरे को उठा के ये पूरा इसमें लगा दी बंदीला जगू देती जल्दी काम करती सब बस बेटा बहुत बड़ी अरे मैं अक्क जग पडलेला बाहेर जाऊन जग ना म्हणाव घरात कशाला जगायचे तिला अरे मला काहीच प्रॉब्लेम नाही मी पाळू शकतो तिला तू लोक सर बाहेर जाऊ मग बस तू लोक बाहेर जाऊ मी करते इसको पाळू सीजे बोल रहा अरे वो उसका उसका काम कर रही तुम तो मारा सो जाओ वो थोड़ी तुमको आके कुछ करने वाली मैं सोया था। अच्छा ये अल्फिया ने उठाई मेरे को वापस तोड़ते तोड़ते तेरा टेबल आमच्या अंगावर पडेल ना सीडी ऐक ना तुला सीडी देऊ का आणून सीडी देऊ का नाही चिपलक कुछ निकलने का नाम नहीं ले रही तुम एक बार तन्ने ऐसे गिरा देगा तू छोड़ देगा तुम देखो ना एक बार तुम्हारे आंख से नीचे झुक के टॉर्च से ऐसा बिस्ती कर देखो मिशन चालू है एक तो रात के अरे त्याच्या माग गेली त्याच्या मागची कशी काढावा पीएससी अरे मग तू हलवलं ते एसी
डर गया वो डर नहीं गया अभी कुछ देखो आई असल तक नहीं गया तो का हाइट नहीं पर निकलेगी ना तो छोड़ देगा आगे पर ये पूरा है सीजे बोल रहा था इनका कहाँ फंस गए अच्छा घर पे जा रहा था मैं दिख गया इसको खिड़की में और आवाज नहीं आई इसलिए ये दोनों देखो इधर कैसे बैठे ले देखते भाई भी तो अभी क्या करने है अभी भाई को सीढ़ी भी ला के दिया भाई आ जा यार बाहर मेरे को कुछ को नींद आ रही है कर तू हाथ नहीं काय लोडून कर झोप ती तो मैं तो म्हणतो एसी वर ये मानने को तैयार नहीं कि उसके पीछे चिप लगे करके अभी अंधेरा करके चेक कर रहे बाहर निकलेंगे तन्नू भाई बोल रहा लोग बोलेंगे क्या येड़े लोग ये भी बज रहे रात के A few moments later सीजे भाई थैंक यू तुम्हारे कीमती वक्त के लिए अफसोस कि अभी तक चिपलक मिली नहीं पर ठीक है थैंक यू धन्यवाद Tomorrow. Hello guys, assalamu alaikum, namaste, sasriya kal, jai jinendra, welcome back to our new vlog. So guys, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल रात में क्या धिंगाना चालू था वो कहाँ से वो एक घर में चिपलक आ गई ली और वो इतनी मतलब अच्छी बड़ी है थोड़ी मैं बोल रहा भी अल्फिया को कि अरे सो जा जान दे रिंगी का भी आएंगे बाहर तब उसको निकालेंगे बाहर अपन तो सुन रही का आएगा और मैं सो गया था मेरे को इतनी गहरी नींद लगी थी थक गया था मैं कल करके तो सो गया तो मेरे को नींद में भी उठाई कि अरे चिप लगाई करके अब मैं बोला क्या करूँ तो उसने फिर मम्मी आए मम्मी भी बारिश थे हॉल में तभी तो मम्मी आए तन्नू भाई आया उन लोग उनके उनका चालू करे मैं बोला कि तुमको क्या करने का करो मेरे में तो ताकत नहीं है अभी तो मैं रुका अपने ऐसे वीडियो निकालते फिर बाद में सीजे भाई भी नीचे से जा रहा था तो खिड़की में से तन्नू भाई को दिखा तो तन्नू भाई ने लगे चावल जाए ऊपर आकर के तो वो भी आया तो उसके साथ भी आप लोगों ने मस्ती देखी और अभी भी वो किधर है वहाँ से बाहर निकली नहीं है तो जब निकल जाएगी तब मैं आपको दिखाता हूँ और अभी का सीन तो ऐसा है कि मैं अभी जा रहा हूँ दुकान पे तो चलो जाते दुकान पे और एक नया प्रोजेक्ट भी अपना काम चालू हो गया वो भी दिखाता हूँ क्या है तो चलो फिर निकलते क्या हो गया अभी इसको क्या करे टाइमिंग चेंज अरे वो घड़ी उधर अपन सामने रखे और उसको आगे से कुछ नहीं खुली घड़ी है तो वो लगता पोछते उनका हाथ ही लगा तो टाइम पूरा ये हो गया Six and a half hours later. तो फोन कर रहे थे क्या आप लोगों देखो ना करो आप लोगों फोन तो गाइस फिर देखेगा ये जो पीछे काम चालू है ना ये अपना विंटेज कार का काम चालू है और ये पूरी गाड़ी बन रही है मारुति 800 के ऊपर तो अभी तो फिलहाल ऐसा काम चालू है पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर से आप लोगों को दिखाऊंगा गाइस फिर अभी आ गया था मैं दुकान पे और अभी थोड़े देर में अपनी और एक गाड़ी आई है अपने पास मतलब ले लिए अपन ने तो वो आएगी तब मैं दिखाता हूँ आपको A few moments later. गाइस फिर आ गया अपना रेहान भाई गाड़ी लेके तो ये है वो गाड़ी सुजुकी इंट्रोडर 1800 cc
few inches later. Mili kya? Mili? Finally, Appa catch. Oh no! Final Appa catch. Hello. सब कपड़े भी फेंक रखे अब्बा। तो गाइस फिर मैं अभी आ गया घर पे, और घर पे आते ही साथ मेरे को क्या खबर मिली अल्फिया के पास से कि अब्बा ने चिपलक बाहर निकाल के फेंक दिए। तो मैं बोला कैसे क्या हो गया ऐसा, तो अल्फिया बोली कि मैं ऐसे ही बाहर थी, बाद में रूम में गई, बोली बहुत देर हो गई रूम में नहीं गई, जाके देखती चिपलक दिख रही है क्या। तो जाके देखी तो ऊपर सीलिंग पे आई हुई थी चिपलक, तो लगे जिसने आवाज दी अब्बा चिपलक आई करके, तो अब्बा लगे पकड़े विकड़े उसको और फेंक दिए। मैं बोला चलो अच्छा हो गया, मैं आने के पहले अब्बा ने निकल लिया, नहीं तो फिर मैं कोई निकालना पड़ती थी। तो चलो गाइस फिर इसी के साथ ये ब्लॉग को अपन इधर ही एंड करते, उम्मीद करते कि आपको ब्लॉग देख के मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज। क्या यार अल्फिया, मेरे को बाहर निकालनी थी वो चिपलक को, मैं कब से रास्ता देख रहा था पर मेरे को मिला ही नहीं उसको निकालने के लिए बाहर। तुम तो दुनिया का डरते, कुछ ना निकालते तुम।